हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सत्ता की रोब का एक और मामला देख लीजिए। आमजन तो आमजन, अदालत की तोहिन करने से भी बाज नहीं आ रहे बीजेपी वाले। योगी के मंत्री एसपी सिंह बघेल का जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मंत्री जी हैं कि कोर्ट के बार बार बुलाने के बाद भी नहीं जा रहे। आखिरकार कोर्ट को भी इन पर कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। योगी के मंत्री से हाईकोर्ट नाराज, जाति प्रमाण पत्र पर फंसा पेच। एसपी सिंह बघेल के रवैये से नाराज हाईकोर्ट। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका के मामले में मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जानबूझकर जवाब न देने के कैबिनेट मंत्री के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा आचरण रख रहा है तो आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट मंत्री को नोटिस भिजवाया था। अब हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल से 23 अप्रैल तक स्पष्टीकरण तलब कर पूछा है कि उन्होंने कोर्ट के निर्देशों और कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। आज एक इलेक्शन पिटीशन लगा हुआ था जो एसपी सिंह बघेल कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में, उनके विधायक के रूप में इलेक्शन के अगेंस्ट था टुंडला विधानसभा से। वो सुरक्षित विधानसभा सीट है और एसपी सिंह बघेल साहब जो है ओबीसी से आते हैं, तो उनके जो है इलेक्शन को चैलेंज किया गया है और उसमें उनको नोटिस हो गई थी कोर्ट की, रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए नोटिस हो गई थी, चीफ सेक्रेटरी यूपी सरकार के जरिए नोटिस हो गई थी, लेकिन लगातार जानबूझ के कोर्ट की प्रोसीडिंग को मंत्री महोदय की ओर से अवॉइड किया जा रहा था। तो कोर्ट ने इस पे बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाने और अधिकार सीज करने की सिफारिश मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की जाएगी। कोर्ट ने मंत्री एसपी सिंह बघेल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने कोर्ट की कार्रवाई को मजाक बनाकर रख दिया है। कैबिनेट मंत्री के वकील ने कई बार अपनी बीमारी की कोर्ट को जानकारी देकर मामले की सुनवाई टालने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कोर्ट से अब आपको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। कोर्ट ने इस पे उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर वो क्यों कोर्ट की प्रोसीडिंग को अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई सही स्पष्टीकरण नहीं देंगे, सेटिस्फैक्ट्री स्पष्टीकरण नहीं देंगे, तो कोर्ट मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लिखेगी कि उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त। आपको बता दें कि फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रहे राकेश बाबू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि वहां से भाजपा विधायक ने ओबीसी होते हुए एससी सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ा है। याचिका में कहा गया है कि एसपी सिंह बघेल गडरिया जाति के हैं जो ओबीसी में आते हैं, जबकि उन्होंने धनगर का सर्टिफिकेट लगाकर खुद को एससी जाति का बताया है। एसपी सिंह बघेल जो कैबिनेट मंत्री है ओबीसी का है, गडरिया जाति से है, इसने धनगर जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर धनगर जाति का वो सीट से अपना नॉमिनेशन किया था और चुनाव जीत गया था। तो ये ओबीसी व्यक्ति एससी सीट पर चुनाव जीत गया है, इसकी हमने कोर्ट को इलेक्शन पिटीशन डाली। मंत्री हैं तो कोर्ट की अवहेलना करेंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग को नहीं मानेंगे। जब मंत्री जैसा व्यक्ति कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं माने तो आम आदमी साथ वो क्या करेंगे। तो उन्होंने हमारी बात को सुनते हुए जज साहब ने उनको फटकर लगाई और अगली 23 तारीख एक सप्ताह समय देते हुए हियरिंग की तय की है कि 23 तारीख को फिर सुना जाएगा। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल बीजेपी में शामिल होने के बाद ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और धनगर के प्रमाण पत्र पर टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़े थे। बसपा के पूर्व विधायक राकेश बाबू एडवोकेट ने धनगर प्रमाण पत्र को लेकर कोर्ट में वाद दायर कर दिया। उसी वाद को लेकर कोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई में कैबिनेट मंत्री की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने 17 अप्रैल को उपस्थित न होने पर एक पक्षीय फैसला सुनाने के निर्देश दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।